विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत मई माह से शुरू होने जा रही है। यात्रा के लिए सरकार तैयारियां शुरू कर चुकी है, तो वहीं यह संभावना जताई जा रही है कि इस बार चारधाम में दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या पिछले साल के यात्रियों के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी। आपको बता दें कि पिछले साल लगभग 50 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा दर्शन के लिए पहुंचे थे, तो वहीं चारधाम यात्रा में यात्रियों को यात्रा करने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए परिवहन विभाग भी कमर कस चुका है। आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि यात्रा के संबंध में लगातार उच्च स्तरीय मीटिंग की जा रही है। यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए परिवहन विभाग पूरी तरीके से तैयार है। आगे उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सर्विसेज, जिसके अंतर्गत ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड सर्विसेज है, उसकी बैक हैंड प्रिपरेशन पूरी कर ली गई है, ताकि सर्वर से डेटा तुरंत मिल सके और लोगों के ग्रीन कार्ड या ट्रिप कार्ड आसानी से बन जाए। तो वहीं एआरटीओ ऑफिस में जो ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनता है, उसके लिए भी कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई है। साथ ही साथ बजट प्रस्ताव भी भेज दिया गया है, ताकि चेक पोस्ट, वाईफाई जोन और बिजली की समुचित व्यवस्था की जा सके, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो आरटीओ के द्वारा किस प्रकार से काम किया जा रहा है ताकि जाम से निजात मिले और लोगों को गर्मी करने में भी सुविधा हो? देखिए, ऐसा है कि चारधाम यात्रा 2024 के संबंध में सीएस महोदया ने भी मीटिंग ली है और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि इस बार की मीटिंग में, इस बार की यात्रा में किसी भी प्रकार से यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए हर विभाग अपनी योजना बना ले और उस पर कार्य शुरू कर दे। इसी के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा ये योजना बना ली गई है कि जो भी ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे ग्रीन कार्ड की सर्विसेज या ट्रिप कार्ड की सर्विसेज है, उसकी बैक हैंड प्रिपरेशन कर ली जाए, ताकि सर्वर से डाटा तुरंत फैच हो सके और आदमियों के जो भी आने वाले हमारे आगंतुक हैं, उनके जो ग्रीन कार्ड हैं और ट्रिप कार्ड है, आसानी से बन सके। इसके अलावा हमने ऑफिसेज में जो ग्रीन कार्ड बनते हैं, स्टाफ की तैनाती के लिए भी रिक्वेस्ट कर दी है। इसके अलावा जितनी हमारी चेक पोस्टें हैं, वहाँ पर जो हमारे पीआरडी के जवान हैं, उनके संबंध में भी हम अपने डिमांड रख दी है। इसके अलावा जो हमें पैसे की ज़रूरत है अपनी यात्रा चेक पोस्ट को दोबारा शुरू करने के लिए, वाईफाई जोन बनाने के लिए या बिजली की व्यवस्था करने के लिए, उसके लिए पैसे की बजट हम लोगों ने अपने मुख्यालय भेज दिया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी शटल सेवा चलती है लगभग 200 गाड़ियों की गौरीकुंड तक सोनप्रयाग से, वहां पर भी हमने माननीय हमारे गढ़वाल कमिश्नर महोदय द्वारा जब मीटिंग ली गई, तो उन्होंने कहा कि जितने आपको आदमी चाहिए आप आदमी उतने लगाइए, परंतु सेवा बड़ी स्मूथ चलनी चाहिए और यात्रियों को वेट करने की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इन सब कार्यों पर हम लोगों ने लगभग अपना पूरा कर लिया है और आने वाली यात्रा में हम पूरी तरह तैयार होंगे कि यात्रियों को बढ़िया से बढ़िया सेवा दे सकें।